नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज। हनुमानगढ़ यातायात पुलिस ने आज संगरिया रोड पर नाका लगाकर वाहनों की चेकिंग की तथा जो लोग मास्क पहनकर नहीं दिखे उन पर चालान की राशि जमा करवाकर जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। और जिन वाहनों ने यातायात नियमों की पालना नहीं करते हुए हेलमेट नहीं पहन रखा था उनके भी चालान किए गए हैं। परंतु लोग यातायात नियमों की पालना नहीं करते हुए और जब चालान करने का समय आता है तब तरह तरह के बहाने भी बनाते दिखाई देते हैं और कई वाहनों पर सवार होकर जा रहे लोगों ने हेलमेट को हाथ में पकड़ रखा था परंतु सिर के ऊपर उन्होंने नहीं लगाया हुआ था। और इस प्रकार के बहाने बनाकर वे यातायात नियमों की अवहेलना तो कर ही रहे हैं, साथ ही वे बहाने बनाकर चालान कटने से बचने का प्रयास भी करते दिखे हैं। COVID-19 रूल्स एवं यातायात नियमों को लेकर श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जिले में अभियान चल रहा है, जिसमें जो कोविड रूल्स बनाए गए हैं, बिना मास्क घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंस में नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज यहाँ करनी पेट्रोल पंप हनुमानगढ़ जंक्शन में जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा था उनके खिलाफ कोविड रूल्स के तहत कार्रवाई की गई है। एवं जो वाहन चालक, दुपहिया वाहन चालक जिनके पास हेलमेट नहीं था उनके खिलाफ विदाउट हेलमेट के चालान किए गए हैं। बार बार यही कहा जा रहा है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, चिकित्सा विभाग, अन्य विभाग, नगर परिषद द्वारा भी मास्क लगाएं। मास्क आपकी सेफ्टी है, मास्क की वैक्सीन है जो आपको सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार यातायात नियमों में भी हेलमेट आपका सुरक्षा का एक कवच है जो आपको हेड इंजरी से बचाता है, फिर भी नहीं लोग लगाते हैं। और हालांकि काफ़ी लोगों ने सुधार भी किया है, लगा भी रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पीछे की सवारी को देकर रखते हैं हेलमेट और जब पुलिस को देखते हैं तो हैंड टू हैंड लगा लेते हैं और उसके बाद ये उतार देते हैं। ऐसा नहीं करें, जो वाहन चालक है ऐसे जो करते हैं वो अपने आप को धोखा दे रहा है। तो वाहन चालक जो भी है, दुपहिया वाहन चालक, वो हेलमेट लगा कर चलें। हेलमेट सुरक्षा का एक कवच है जो हेड इंजरी को बचाता है और बार बार यही कहना है आपसे। चिंता जी, एक आप नियमों की पालना करा रहे हैं, कई लोग ये भी कहते हैं कि आप यातायात की जो है व्यवस्थित होना चाहिए उसके संबंध में कम कार्रवाई कर रहे हैं, उसके संबंध में क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये बात भी है कि यातायात जो व्यवस्थाएँ होती है कई बार स्टाफ नहीं होता है। अभी 10-12 दिन चुनाव का था तो चुनाव को लेकर सारा स्टाफ बिजी था। अब चुनाव संपन्न हुए हैं, अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं भी बढ़िया होंगी और जहां व्यवस्था लगता है ऐसे ख़राब है तो उसका दुरुस्त किया जाएगा। खासकर जो शहरी क्षेत्र है, सब्जी मंडी हो, इसमें अव्यवस्थित रेहड़ियाँ खड़ी हैं, उसके संबंध में क्या कहेंगे? इसके संदर्भ में मैंने नगर परिषद द्वारा रेहड़ी चालक है जो उनको एक अलग से जगह दी जा रही है और जगह मिलने के बाद जो उनको वहाँ रहना पड़ेगा। इसके अलावा जो रेहड़ियाँ सड़क पर आती है उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाती है, उनको बार बार कहा जा रहा है। उनके प्रधान से भी बात की गई है कि आप लोग जो रेहड़ी वाले हैं उनको एक नियमित जगह पर रखें ताकि सड़क पर नहीं है, व्यवस्था नहीं ख़राब हो। वो मॉडिफाई किया हुआ है, कुछ निशान बना रखे, क्या कहेंगे इस संबंध में? हाँ, उसके उन वाहन चालकों के खिलाफ परमिट नियमों की अवहेलना के तहत कार्रवाई की जा रही है। और जो युवा वर्ग है, वो यातायात नियमों के प्रति सचेत नहीं है और वो मोटरसाइकिल को तो उन्होंने ऐसे सजा रखा है बहुत अच्छे तरीके से, डेक लगा रखा है, फूल लगा रखे हैं प्लास्टिक के, बट उनकी सुरक्षा के लिए, खुद की सुरक्षा के लिए हेलमेट नहीं लगा है। तो ऐसे में उनके खिलाफ हम सब कठोर कार्रवाई करते हैं। कईयों ने अपने नाम, जाति नाम को उसमें घेरा हुआ है और काफ़ी जो मोटरसाइकिल आज दिखे तो उनमें देखा गया कि उसके पीछे जाति विशेष लिखा गया है और उसको मोटिवेट किया गया है उसके ऊपर जाति लगकर, कि ऐसा नहीं हो। मेरा यही कहना है यातायात प्रभारी होने के नाते कि मोटरसाइकिल पर किसी जाति विशेष नहीं लिखे, केवल नंबर प्लेट जो लिखी गई है मोटरसाइकिल की वही लिखे। बाकी अपनी सुरक्षा के लिए दुपहिया वाहन चालक हेलमेट लगाएं, जो चौपहिया वाहन चालक है सीट बेल्ट का उपयोग करें, शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं, तेज़ गति से वाहन नहीं चलाएं। और एक और ये देखा जाता है कि जो युवा वर्ग है मोबाइल को कानों में रखते हैं जब वाहन चलाते हैं तो एक्सीडेंट बहुत होते हैं वहाँ, क्योंकि ध्यान डाइवर्ट हो जाता है मोबाइल से।
तो ऐसा नहीं करें। मोबाइल जब भी आप यूज़ करें चलते वाहन में, मोटरसाइकिल को रोके, साइड में करें, बात करें, फिर चले, तो ये एक जो ये चीज़ें हैं जो एक्सीडेंट को बढ़ावा देती हैं। तो ऐसा नहीं करके आप लोग जो भी है यहाँ के यातायात नियमों की पालना करें। तो ठीक है, यातायात प्रभारी अनिल चिंता का कहना है कि यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए एक और हम लोगों को समझा भी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं उन पर सख्ती कर चलान भी काटे जाएंगे और भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान चलाकर यातायात नियमों की पालना करवाने के लिए लोगों को पाबंद करने का कार्य हमारे स्तर पर जारी रहेगा। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।